एवरीवन, कैसे हो बच्चों? तो स्टूडेंट्स, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था जो कि एक कविता थी, और दूसरा पढ़ा था वो एक कहानी थी, और आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एक नाटक है। नाटक कभी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? इस बार हम एक नाटक पढ़ेंगे। इसमें चिंकू और मीनू बहन भाई हैं। उनके पापा बेंगलोर गए हुए थे। जब वो बेंगलोर से वापस आए तो उनके लिए खिलौने लाए। वो मीनू के लिए तो एक गुड़िया लाए और चिंकू के लिए एक जहाज जो कि हवा में उड़ता था। दोनों खिलौने लेकर बहुत खुश हुए और पापा को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। दोनों खिलौनों को लेकर इतराने लगे, एक दूसरे को चिढ़ाने लगे और बीच बीच में लड़ने भी लगे। इस पूरे नाटक में यही दिखाया गया है और किस तरह उनकी लड़ाई होती है, और लास्ट में वो आकर एक दूसरे के खिलौनों के साथ खेलने लग जाते हैं। इस नाटक से हमें यही सीख मिलती है कि खिलौनों को मिल बांट कर खेलना चाहिए। इससे हमारा मनोरंजन भी बढ़ेगा और खेलने में मजा भी आएगा। लड़ने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मिलकर खेलना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं ये वाला नाटक, आइए मेरे साथ ये लेसन पढ़ें। बच्चों, हम पहले लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3, खेल खेल में। इसमें है पहला दृश्य। नाटक में दृश्य होते हैं, इसमें भी दृश्य आएगा। पहले दृश्य में क्या होता है, मीनू और चिंकू के पापा हैं, वो बेंगलुरु से आते हैं और उनके लिए खिलौने लाते हैं। वह मीनू के लिए तो गुड़िया और चिंकू के लिए उड़ने का जहाज लाते हैं। अभी फिर जहाज और गुड़िया देखकर कैसे खुश होते हैं बच्चे, चलो पढ़ते हैं हम। मीनू खुश होकर, वाह पापा, यह दो चोटी वाली गुड़िया तो बहुत अच्छी है। फिर पापा क्या बोलते हैं, जरा इसके पेट पर लगे बटन को दबाओ, फिर देखना कैसे ताली बजाकर नाचेगी। मीनू, हाँ पापा, यह तो खूब तालियां बजाती है और लोग नाचने भी लगी, आहा। चिंकू जोश में आकर बोलता है, हाँ पापा, मेरे लिए भी आप बड़ा कमाल का उपहार लाए हैं। अब मैं अपना हवाई जहाज पड़ोस वाले अन्नु को दिखाऊंगा, जब देखो अपनी रेलगाड़ी का घमंड दिखाता है। पापा हंसते हुए बोलते हैं, बेटा, ये हवाई जहाज और गुड़िया तो अपने भारत के हैं। चिंकू बोलता है, देखो पापा, भारत के हैं पर कितने अच्छे हैं। पापा, और क्या, अपना भारत किसी से पीछे नहीं है, हमें अपने देश में बनी चीजों पर गर्व करना चाहिए। मम्मी, चलो पापा थके हुए हैं, अब उन्हें आराम करने दो। तो ये पहला दृश्य था जिसमें पापा बच्चों को खिलौने देते हैं और बच्चे पापा से खिलौने लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब उसके बाद दूसरे दृश्य में क्या होता है, चिंकू और मीनू दोनों अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं और खूब बढ़ चढ़ कर तारीफ भी कर रहे हैं। अब मीनू क्या कहती है, गुड़िया को गोदी में लेकर खिलाती हुई कहती है, आहा, कितनी प्यारी है मेरी यह दो चोटी वाली गुड़िया, और भाई, मैंने तो मम्मी से कहकर अपनी गुड़िया के लिए बड़े सुंदर कपड़े बनवाए हैं। चिंकू क्या कहता है, दोनों हाथ हवा में लहराकर कहता है, और मेरे पास जानती हो क्या है, दुनिया का सबसे अच्छा नीला हवाई जहाज जो बटन दबाने पर ऊपर हवा में उड़ता है। मुझे यह बिल्कुल सचमुच का हवाई जहाज जैसा लगता है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मीनू हंसते हुए कहती है, पर मुझे तो तेरा हवाई जहाज कुछ खास नहीं लगा। चिंकू, नहीं नहीं दीदी, आपने शायद मेरे हवाई जहाज के करतब अभी तक नहीं देखे। यह तो आसमान में कलाबाजियां दिखाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला हवाई जहाज है। फिर मीनू क्या कहती है हंसते हुए,
अच्छा जी, लगता तो नहीं। चिंकू और मीनू दीदी दोनों अपने अपने खिलौनों की तारीफ का मौका ना छोड़ते। चिंकू गर्व से इठलाते हुए कहता है, मीनू दीदी आपकी गुड़िया भी ठीक ठाक है, पर मेरा हवाई जहाज ज्यादा अच्छा है। देखो कैसी कलाबाजियां दिखाता है मुझे, यह जादूगर लगता है, आसमान में शू उड़ता है। मीनू कहती है, पर चिंकू अभी तुमने मेरी गुड़िया का घूमर नाच कहाँ देखा है? चिंकू नेहले पर दहला जड़ते हुए, पर मेरा हवाई जहाज तो दीदी 1 मिनट में हवा में 10 चक्कर काटता है। 10 चक्कर कहो तो आपकी गुड़िया को हवा खिला लाए। देखिए ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मीनू के हाथ में गुड़िया है और चिंकू के हाथ में नीला हवाई जहाज। मीनू बुरी तरह नाक चढ़ाकर, क्या कहा तुमने, हवाई जहाज? ना जी ना, मेरी गुड़िया को धरती अच्छी लगती है, इसीलिए तो इसने हरी चुनरी पहनी है, इसे हरियाली पसंद है। चिंकू मेरा हवाई जहाज नीला है, जैसे समंदर, आसमान, स्याही, सबका रंग नीला है। फिर वह कुछ सोचकर बोलता है, हाँ जी, अपने घर का पेंट भी नीला है। मीनू मेरी गुड़िया इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी है। आपको पता है ना इंद्रधनुष क्या होता है? रेनबो, जब बारिश आती है तो उसके बाद क्या आ जाता है स्काई में, आसमान में क्या आता है? इंद्रधनुष। मेरी गुड़िया इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी है, तेरे हवाई जहाज से ज्यादा सुंदर। चिंकू को गुस्सा आ जाता है और हवा में मुट्ठी तान कर कहता है, नहीं 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 मेरा हवाई जहाज ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुंदर है। और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। इसके बाद तीसरा दृश्य शुरू हो जाता है। चिंकू, देखो मान जाओ मीनू दीदी कि मेरा जहाज तुम्हारी गुड़िया से ज्यादा अच्छा है। मीनू आसमान की ओर उंगली उठाकर, कैसे मान जाऊं तेरा जहाज भला मेरी इतनी सुंदर सी गुड़िया से अधिक सुंदर कैसे हो सकता है? चिंकू गुस्से में, अच्छा आपने मेरे जहाज को बेकार कहा, अब तो मैं आपकी इस बेकार सी गुड़िया को एक दिन बाहर कूड़ेदान में फेंक आऊंगा। देखो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर मीनू क्या कहती है, जरा फेंक कर तो देख, मैं भी तेरे हवाई जहाज को गहरे समंदर में फेंक दूंगी। चिंकू हार मानकर, सच्ची? नहीं दीदी ऐसा मत करना, मेरा हवाई जहाज मुझे बहुत प्यारा है। मीनू, और मेरी गुड़िया मुझे प्यारी नहीं है? फिर चिंकू कहता है, सो तो है, पर आप मेरे जहाज की बुराई मत किया करो दीदी। चौथा दृश्य में क्या होता है? चिंकू मीनू की गुड़िया को हवाई जहाज की सैर करवाता है और जब हवाई जहाज चक्कर काटकर गिरने लगता है तो मीनू की चीख निकल जाती है, कहीं उसकी गुड़िया गिर ना जाए। तो मीनू कहती है, ओ मेरी गुड़िया तो गई। चिंकू ने झट से हाथ बढ़ाकर मीनू की गुड़िया लपक ली। फिर आगे क्या होता है? चिंकू अपने जहाज को बड़े प्यार से डांटते हुए कहता है, अरे पगले ठीक से उड़ाया कर, अगर मीनू दीदी की गुड़िया नीचे गिर जाती तो मुझे कौन अच्छा पायलट कहता? और फिर मीनू दीदी का गुस्सा तो जानते ही हो, वे नाराज हो जाती तो कितना चिल्लाती। अब दोनों हंसने लगे, मम्मी पापा भी उन दोनों का प्यार भरा झगड़ा और खेल देखकर जोर से हंसने लगे। पापा क्या कहते हैं, शरारती कहीं की। मम्मी क्या कहती है, यही तो खेल है इनका। तो ये था हमारा लेसन नंबर 3 खेल खेल में। तीसरा लेसन है ये, इसमें हमने क्या सीखा कि हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए, खिलौनों के पीछे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें
है।